मुरादाबाद काशीराम नगर के वार्ड 10 में लोक जन शक्ति दल पार्टी द्वारा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह का काशीराम नगर स्थित वार्ड 10 में स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोक जन शक्ति दल पार्टी के कार्यकर्ताओं व वार्ड 10 की महिलाओं एवं पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोक जन शक्ति दल के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि आज हम लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सर्वेश कुमार का स्वागत एवं अभिनंदन का कार्यक्रम किया है। अरविंद कुमार राठौर की अध्यक्ष लोक जन शक्ति पार्टी जनपद मुरादाबाद लोकसभा 6 प्रत्याशी माननीय प्रवेश कुमार सांसद जी का एक स्वागत काशीराम नगर वार्ड में किया जा रहा है। वार्ड नंबर 10 क्या जो आपकी पार्टी है लोक जनशक्ति दल, क्या किसी तरह का समर्थन देगी क्या? लोक जन शक्ति पार्टी NDA की घटक दल है, सहयोगी दल है हमारा, जो NDA के सभी प्रत्याशियों को अपने तन मन धन से लड़ा रहे हैं और जीत हासिल पहले भी कराई है, हम लोगों ने सहयोग किया है। इस बार लोकसभा प्रत्याशियों को हम पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, जहां हमें जाना पड़ रहा है, घर घर भी जा रहे हैं, जहां हमें अपनी कार्यकर्ताओं को बैठा करके मीटिंग कराई जा रही है वहां भी मीटिंग करा रहे हैं। फुल फोकस हमारा ये है कि NDA के प्रत्याशी माननीय सर्वेश कुमार सांसद लोकसभा मुरादाबाद को इतने वोट पड़े कि लाखों वोट से उसकी जीत हो, ये हमारा प्रयास है और आगे प्रयास रहेगा, आगे आने वाले चुनावों में भी प्रयास रहेगा और बराबर हम NDA के साथ चलते हैं। हमारे साथ लोक जन शक्ति पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जय कुमार सिंह जी हैं, बिलारी से आए हुए मोहम्मद अजीम भाई हैं जो प्रदेश के सचिव और बरेली मंडल के प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ सविता जी हैं।